केव नंबर सिस्टम, क्या पढ़ना था, केव नंबर सिस्टम। इसको यहाँ बुक से कवर कर लेते हैं, टाइम बच जाए। यहाँ पे जो हमारे पास केव नंबर सिस्टम के अंदर होता है ना, एक एक गारों में रहने वाले शख्स ने ना, एक साइंसदान था, उसको केव मैन बोला जाता है, उसके नाम से उसका नाम जो रखा हुआ है। उसने ना एक नंबर मुतारफ करवाया था जिसमें उसने नंबर्स के सिंबल दिए थे। ठीक है, हमारे पास ये देखिएगा यार, जीरो, जीरो जो होता है हमारे पास सिग्मा साइन के लिए यूज होता है। ठीक है, वन इसके लिए यूज होता है, इसके लिए, ये गामा के लिए यूज होता है। और यहां तक उसने हमें ये नंबर दिए थे, साइन दिए थे। जीरो के लिए उसने ये वाली वैल्यू दे दी, ये डेल्टा उसने उसके लिए दे दिया, वन के लिए ग्रेटर देन का साइन, टू के लिए, और ये आपका जो गामा है इसको उसने दे दिया थ्री के लिए। अब आगे जो हमारे पास फोर है उसने दे दिया इसको एक फॉरवर्ड अपवर्ड लाइन के तौर पे। ये वैल्यू सिर्फ इतनी उसने दी है। अब आपने इसकी मदद से उनको पेपर में अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपने अपने केव नंबर सिस्टम की मदद से हमें बताना है, केव फर्ज करो उसने हमें कहा कि हमें आप ये बताओ कि 22 बोल दो या 24 या 59 कुछ भी वैल्यू, वो कहता है कि हमें बताओ केव नंबर सिस्टम में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फर्ज करो मैं कह देता हूँ हमारे पास है, हम कह देते हैं कि 22 है, 22 इसका कुछ होता है ऐसे, एक अपवर्ड लाइन होती है। ठीक है, अपवर्ड लाइन के बाद हमारे पास इसका सिंबल होता है, जीरो के लिए हम इस्तेमाल करते थे सिग्मा, 1 2 3 ये वाला हमारे पास इसका होगा, ये वाला, ये हमारे पास 22 का होता है। अब उसने इस तरह से आपको क्विज देना है, आपने ये क्विज निकालना है। अब ये थ्योरी होती कैसे, इसको इसको समझते हैं। हमारे पास जो नंबर सिस्टम होता है, वन के लिए उसने हमें दिया, वन के लिए उसने हमें दिया ये सिग्मा का साइन, टू के लिए उसने हमें दिया डेल्टा का साइन, ठीक है, थ्री के लिए उसने दिया ग्रेटर का, फोर के लिए उसने हमें दिया ये वाला, ठीक है, उसके बाद फोर के लिए ये दिया, सॉरी ये है हमारा जीरो, ये है हमारा वन, ये है हमारा टू, ये है हमारा थ्री, ठीक है, और ये है हमारा फोर। उसने सिर्फ इतने सिंबल दिए, इनके आगे आगे काम आपका है। अब क्या करते हैं, इसको समझते हैं, इस पे चलते हैं, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये हमें करेंगे, अब वहीं पे जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये सिंबल मैंने बताए, अब हमें वो क्या करता है कि उसने बोल दिया हमें ये जो सिंबल दे रही है, अब उसने फोर तक आपको दे रही है, अब जो फाइव है ये आपने फाइंड करना है कि फाइव कैसे होता है। उसने फाइव के लिए हमें, सिक्स के लिए, सेवन के लिए एक रोल दे दिया। उसने बोला कि जब भी आप इन सिंबल को फोर तक लिख दें, तो उसके बाद आपने जब भी इसको इंक्रीज करना है, तो आप जो सबसे पहले आपके पास डेल्टा का साइन है ना, ये साइन रिपीट करेंगे, फोर फाइव के लिए, सिक्स के लिए, सेवन के लिए, एट के लिए और नाइन के लिए। आपने जब 1 2 9 लिखना है ना, यानी कि 4 के बाद 5 6 7 8 9 लिखना है, तो आपने सिर्फ पहले डेल्टा का सिंबल ले लेना। ये रूल होता है, एक इसकी ऑर्चर्ड की बुक है, उसमें बकायदा तौर पे अगर आप चाहें तो उसके अंदर तफसील देख सकते हैं। सबसे पहले आपने ये सिंबल सिंपली इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद आपने अब अगर लगाना है, आपने यहाँ पे 5 लगाना है, ठीक है। 5 के लिए अब हमें, मतलब मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। अब हमें पता था कि 0 के लिए हमारे पास सिंबल था ये वाला, 1 के लिए हमारे पास सिंबल था डेल्टा वाला, 2 के लिए हमारे पास सिंबल था ग्रेटर देन वाला, 3 के लिए हमारे पास सिंबल था, 3 का कौन सा सिंबल था, ये मुझे खुद भूल जाते हैं अक्सर, ये वाला सिंबल था, 4 के लिए हमारे पास सिंबल था तीर का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इसी तरतीब से उठा के आपने अप से डाउन लिखते जाना है, कि जो जीरो वाला है अब आपने सबसे पहले आगे वो लिख देना है। अगर हम बात कर रहे थे 5 की, तो इसके आगे आप जीरो वाली तरतीब लिखते जाओ, जीरो, अब 1 की इसके आगे लिख दो, ये लिख दो, आगे आगे आप इसकी 2 के वाला लिख दो, ग्रेटर वाला, आगे 3 वाला लिख दो, 3 वाला हमारे पास था ये वाला, और आगे हम लिख देते हैं 4 का था ये वाला, ठीक है, 4 के लिए ये सिंबल होता है। तो अब हमारे पास 4 तक उसने दे दिया, तो उसके बाद जो हमने फाइंड किया 4 के बाद जो 5 था, उसके लिए मैंने बताया सबसे पहले आपने डेल्टा का साइन डालते जाना है, फिर उसके बाद आपने 0 से लेकर तरतीब को आगे चलते जाना है। अब अगर हम बात करें कि ज्यादा नंबर्स की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने 9 से आगे जाना है, 10 तक जाना है, ठीक है, 10 की वैल्यू हमें यहाँ पे बताओ। 10 के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, 10 वाली को स्टार्ट कर लेते हैं, आपको वो 10 का पूछ ले, तो इसके लिए बहुत ज्यादा सिंपल सा तरीका है कि अब आपने पहले आपके पास डेल्टा था, डेल्टा के बाद हमारे पास क्या था,
ग्रेटर देन का साइन, तो अब आपने ग्रेटर देन का साइन डाल दिया, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ठीक है। अब आपने जब ग्रेटर देन का साइन डाल दिया तो वही तरतीब जीरो से फिर उठा लो, जीरो के लिए साथ क्या था सिग्मा था, ठीक है, वन के लिए हमारे पास क्या था डेल्टा था, डेल्टा। अब ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, उसके बाद हमारे पास 12 आता है, 12 के लिए वही साइन जो हमने दिया, और थर्ड पे हमारे पास ये साइन था। आपने क्या करना है इसको एक तरतीब से एक साइड पे लिख देना है कि सबसे पहला हमारे पास जो साइन है सिग्मा का है, फिर हमारे पास डेल्टा का है, डेल्टा के बाद हमारे पास ग्रेटर का है, ग्रेटर के बाद हमारे पास साइन है ये वाला, उसके बाद ये लाइन है। और जब भी आपने इन चीजों को देख लेना, जब आपने 6 लेना है तो फिर 6 से 9 तक, जब आपने 10 लेना है 10 से आपने 11 तक, जब आपने जाना है 14 तक फिर ये वाला सिंबल ले लेना है। अब हमारे पास डेल्टा हो गया तो उसके बाद हमने ग्रेटर भी लगा लिया, थर्ड हमने ये लगा दिया है, ठीक है, और उसके बाद 7 है हमारे पास ये लगा दिया, ठीक है, ये आपका हो गया 14 तक, ठीक है, 15 तक 14 तक, उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट। अगर हम इसको रिपीट करते सारा करवाना है तो सारा करवा देते हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर वो हमें कहता है कि 14 के बाद बताएं 15, तो वही तरतीब अब हमने ये वाला जो साइन था वो इस्तेमाल कर लिया डेल्टा का, डेल्टा का जीरो का नहीं इस्तेमाल करते शुरू में, डेल्टा का कर लिया, ग्रेटर का कर लिया, ठीक है, ग्रेटर का कर लिया, उसके बाद हम आगे इस्तेमाल करते हैं ये जो ये वाला साइन है इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसका इस्तेमाल किया, अब सबसे पहले जैसे कि हम बच्चों को काउंटिंग पढ़ाते थे जीरो लगा दो उसके बाद वन लगाओ फिर जीरो, फिर इसी तरह वही तरतीब, सबसे पहले आप इसके साथ सिग्मा लगा दें, ठीक है, सिग्मा के बाद इसके साथ डेल्टा लगा दें, ठीक है, डेल्टा के बाद इसके साथ ग्रेटर लगा दें, ठीक है, फिर ये वाला लगा दें, ये वाला जो है, ठीक है, अब इसके साथ वही साइन डालते जाएं जैसे हमारी काउंटिंग होती थी, वही वाला सीन है, ये लें इसी तरह सो ऑन, ठीक है, इसकी समझ आई है बात की, यही उसने काम यहाँ पे किया होगा यकीनन। देखिएगा 5 है उसने डेल्टा डेल्टा डाला हुआ है और साथ में यही तरतीब, 10 है उसने ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, आगे वही तरतीब उसने उठा ली जीरो से लेके अपवर्ड, उसके बाद उसने 16 से आगे ग्रेटर देन ये वाला सिंबल लगाया, उसके बाद आगे वही तरतीब, ठीक है। इस तरह हो सकता है कि आपको कोई भी नंबर पूछे, आपने ये जो गिनती आपने ये समझ लेनी है, याद कर लेनी, इसी की तरतीब से आपने पेपर में उसको बता देना। उसके बाद वो कहता है कि द केव इज द यूजिंग द बेस 5 नंबर सिस्टम, बेस नंबर सिस्टम हैज अ 5 यूनिक नंबर और वगैरह वगैरह। इसको आप रीड करें, इसको यहाँ पे हम इसकी कोई एग्जांपल पकड़ते हैं। फर्ज करो कि हमें वो कोई सिंबल दे देता है, सिंबल यहाँ पे कोई पकड़ लेते हैं, कौन सा दे देते हैं कि फर्ज करो हम अपनी तरफ से ही कोई नंबर ले लेते हैं, उसने पेपर देना कैसे और क्वेश्चन एमसीक्यूज कैसे देने हैं, ये थोड़े से मुश्किल पेपर होते हैं, थोड़े से एमसीक्यूज होते हैं, डिजिटल लॉजिक्स होते हैं। यहाँ पे फर्ज करो वो हमें कह देता है कि आप हमें कोई भी वैल्यू दे देते हैं, वो कहता है एक ये वाली वैल्यू है आपके पास और साथ में एक तीर लगा दिया उसने, ठीक है, तीर लगा दिया, और ऐसे उसने पूछ लेना है कि बेस उसने साथ में बता दिया, अगर बेस 5 है वो पूछेगा कि इसका आंसर बताओ, ठीक है, इसका आंसर बताओ। अब जो पीछे चीज़ पढ़ी थी पहले और जो चीज़ अभी पढ़ने लगे, इन दोनों को आपने कंसेप्ट को आपस में मर्ज करना है और फिर आपको इस बात की समझ आ जाएगी। अब ये देखिएगा हमारे पास ये जो ये वाला जो साइन था ये वाला, ये जो तीर वाला साइन, इन दोनों का मतलब क्या था, ये जो हमारे पास डेल्टा वाला जो साइन है इसका मतलब था 3, इसको हम सीधा नीचे बोल देंगे ये हमारे पास 3 है, और ये वाला जो साइन था ये वाला जी नहीं नहीं 34 है नहीं बनता है, अब देखिएगा बात को समझिएगा, ये तो 34 है, तो जो मैंने आपको नंबर बेस सिस्टम बताया अभी, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज 2-1 करें हमारे पास आ गया 1, तो यहाँ पे हम इसकी पावर जो है मल्टीप्लाई पावर हम लिखेंगे, इसकी हम लिखेंगे पावर 1, ठीक है, सेंटर में प्लस करेंगे, और इसकी पावर हम लिखेंगे यहाँ पे 10 की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो गया हमारे पास 30, अब देखिएगा गौर कीजिएगा 30 हो गया ये पावर 10, और अब ये जो आगे हमारे पास 4 है और पावर 1, ये लो जी अब बना 34, डायरेक्ट 34 नहीं बन सकता। अब देखिएगा ये हुआ 34, अभी 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कि आपने डायरेक्ट भी किसी चीज की वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि जब आपके पास हायर वैल्यूज हैं तो आपकी, अब हम क्या लिख देते हैं कोई भी सिंबल बताओ आप, हम सिंबल क्या लगा दें, हम सिंबल लगा देते हैं, हम सिंबल कौन सा लगा दें, ये वाला सिंबल लगा देते हैं, ठीक है, इसके साथ क्या लगा दें, इसके साथ हम डेल्टा लगा देते हैं, इसके साथ हम ग्रेटर लगा देते हैं ये वाला। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, चलो एक इसके साथ और लगा देते हैं, एक तीर वाली वैल्यू लगा दी,
ठीक है। अब हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, तो 10 की पावर कितनी होगी, 2 प्लस 10 की पावर कितनी होगी 1, प्लस 10 की पावर कितनी होगी, जब मुझे ये नंबर नहीं याद होते तो मैं ऐसे करता था, 10 10 लिखता जाता था, फिर मैं इधर से वो नाइन्थ में होते थे शायद, 0 से लेके मैं इधर को शुरू हो जाता था, 1 2 3 लिख देता था, मुझे रूल नहीं याद था, तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला सिंबल है, इसकी वैल्यू कितनी थी, मेरे ख्याल से 3 थी, मल्टीप्लाई 3 और उसके बाद सेंटर में इसका प्लस, सेंटर में ये प्लस हमारा है ऑलरेडी, ओके सेंटर में ये हमारा प्लस है और ये भी हमारा सेंटर में प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ये वाला कलर है, इसकी वैल्यू 3 थी, 3 को मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी थी ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन की वैल्यू भूल 2, इसकी वैल्यू 2 थी जी, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ठीक है, और इसकी वैल्यू थी 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सोल्यूशन निकालो, इसको लिख दिया हमने ऐसे, प्लस इसको कर दो और ये हमारे पास 20 और प्लस आगे कितना हो गया हमारे पास 4, ठीक है, ये हो गया 320 24, ये वैल्यू, मतलब कुछ भी आपको पूछेगा तो आपने उसका आंसर निकाल के देना है। उसके बाद हम आगे कर लेते हैं, आगे कुछ और एग्जांपल करें या समझ आ गई ये बात, कैसे कैसे हाँ जी हाँ जी 19 में इसमें मैं देखता हूँ एक मिनट 19 का ये वाला, अच्छा देखते हैं, हो सकता है हम गलत कर गए हों, वो ऐसा भी तो हो ही सकता है ना, अच्छा ये 19 है, अब इसको देखते हैं, 19 का सिंबल ये है, देखिएगा 19 का यही सिंबल है और साथ में ये वाली जो लाइन है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास दो फिगर हैं, ठीक है, हमने बेस देखनी है, बेस देखनी है, हो सकता है कि हमने 5 की बेस से किया, हो सकता है वो बाइनरी की नंबर से दिया हो, इसकी बेस के हिसाब से देखते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी थी, बेस दी, उसको अपनी बुक में देखें बेस क्या दी हुई है, ये आपकी बात बड़ी कीमती निकला, ये सिर्फ एक बात बताने वाली मिल गई कि हो सकता है, अब देखिएगा यहाँ पे एक वैल्यूज ये वाली दी हुई है, एक वैल्यूज ये वाली दी है, आगे फिर वो वैल्यूज देगा ये देखिएगा, और आगे उसकी बेस 2 दे देगा। अगर फर्ज करो कि मैं इस वैल्यू को आपको दो तरीके से समझा दूं कि ये वाला सिंबल और फिर ये वाला सिंबल, अब मैं इसको इसका आंसर निकालने लगा हूं 2 की बेस की मदद से, ठीक है 2 की बेस की मदद से, तो ये बात सही वाली समझ आ गई है। अच्छा यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज लेते हैं, अब ये जो हमारे पास इसका क्या था, ये जो देखिएगा इसका 3 था शायद, इसका 3 था और ये जो लाइन थी इसका 4 था, ठीक है। अब हमारे पास ये कितने हैं 2 हैं, तो 2 माइनस 1 तो पावर कितनी है हमारे पास 1, तो हमारे पास जो 2 है 2 इसको इस साइड पे करते हैं मल्टीप्लाई, 2 की पावर हमारे पास है यहाँ पे 1 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू 4 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0, ठीक है। अब ये कितना आंसर आएगा देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, निकाल लें यार थोड़ा सा मैथ मेरा भी पक्का है, ये हो गया हमारे पास 2 और ये 1 है हमारे पास, कितना हो गया 6 हो गया प्लस, ये हमारे पास 1 है और 4 कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 10, ये आई है बाइनरी बेस 2 की मदद से, वो वैल्यू जो हमारे पास 19 है वो उसकी मदद से है, बेस 5 की मदद से, ऊपर उसने जो थ्योरी पढ़ोगे आपको बताएगा बेस के हिसाब से। अब जो हमने पहले किया था उसको जरा रिपीट कर लें कि हमने कोई गलती की थी क्या, हमने पहले कौन सा साइन लिया हुआ था, एक ये लिया था, साथ में क्या लिया था, हाँ वो गलती थी, देखा मैं कह रहा हूं ना, वैसे वेरी वेल जबरदस्त, हमने ये गौर ही नहीं किया कि अच्छा यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा करते हैं, वो बेस की पावर हमने 5 लेनी थी, यहाँ पे हमने 5 लिखा था ना शायद, तो हमने उसकी अब हाँ ठीक है बिल्कुल जबरदस्त, हो सकती है मिस्टेक, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा 5 की पावर जो है इसको अब हम यहाँ पे कितना करेंगे, 2 में से एक गया और एक
ये तो इसका थ्री लिखना है ना, मैं पहले पावर से ही लिख रहा हूँ बस, प्लस ये वन है और इसके लिए अभी मैंने फोर नहीं लिखा, तो टेन की पावर कितनी लिखनी है यहाँ पे, जीरो, ठीक है। और हाँ ठीक है, फिर गलती कर दी है क्या, फाइव की पावर कितनी थी यहाँ पे यार, सारा मिक्सर हो गया यार, अभी बाइनरी वाला किया है ना, वो सही किया है ना, क्यों माइंड मेरा काम नहीं कर रहा। अब लिखते हैं ये, इसकी वैल्यू कितनी है, ये जो लैम्डा सा दिया हुआ है थ्री, इसकी फाइव की पावर वन, अब ठीक है। और पहले ये जो फोर है साथ में फाइव की पावर, अब कितनी आई, जीरो। अब देखिएगा, पांच को तीन से जरब दें 15, और 15 और चार कितना हो गया, 19। अब ठीक है, अगर हम इसको पावर थ्री से कर लें, सारा नहीं सिर्फ इतना सा, अगर इसको पावर थ्री से कर लें, निकाल निकाल के तीन चार चीजें देखना, बहुत घुमा घुमा के पेपर देता है। अब ये कितना था हमारे पास, तीन, और इसकी पावर जो है अब हम थ्री ले रहे हैं, तो थ्री की पावर यहाँ पे वन ली, प्लस निकालिएगा जल्दी जल्दी से, और यहाँ पे लिखना है हमने चार की पावर कितनी है, यहाँ पे वन नहीं आना है ना, तो तीन तीन ये हो गया, और प्लस हमारे पास कितना हो गया, नौ और चार कितना होता है, 35, 13 होता है, इतना ही होता है ना, ये लो जी 13 हो गया जी। असल में ये माउस पे और इसके साथ करने में बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम। अब ठीक हुआ है वाकई, ये करवाया भी साना ने था, इसने फौरी तौर पे बोला 34, और मैं भी इसके पीछे पीछे 34 बना दिया मैंने, बोला था इस। अच्छा यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर का हिस्सा है, हमने कहाँ पे किया था, अभी ऊपर थे हम, ऊपर थे। अच्छा यहाँ पे उसने कोई आपको वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ देना था यार उसे, यहाँ पे ये चीजें बता रहा है कि इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, और ये उसने वैल्यूज दी है, ये सवाल दिया उसने, ये देखिएगा। अब यहाँ पे उसने क्या किया, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा लिख दिया, और पांच की वैल्यू वन लिख दी, और ये इसको इतना कर लेते हैं, और जुमे का टाइम भी हो गया। और आगे उसने क्या किया, ये डेल्टा वैसे लिख दिया, पांच को पांच और इसको वन कर दिया, और इसको उसने कन्वर्ट करके ये देखो नाइन कर दिया। यहां तक क्लियर समझ आई है ना, ये चीज समझ आई है क्या, आई होप के सबको समझ आ गई होगी। अब उसने यहाँ पे ये असल में वो ऐसे सारा कुछ लिख दिया, अक्सर बच्चा जब न्यू टाइम बुक देखता है वो कहता है यार बड़ी मुश्किल बुक है, उस पे ऐसे ऐसे साइन डाले हुए हैं और आगे पता नहीं। अब यहाँ पे पावर, अब चलो ये वाला तुम्हारा, ये वाला सॉर्ट आउट करते हैं। अब ये देखना था ना गौर से क्या लिखा हुआ है, एक डेल्टा लिखा है, एक गैमा लिखा हुआ है, और एक लाइन लिखी है, और ये वाली चीज लिखी है। अब इसको वहां पे चलते हैं, अब देखिएगा बताओ साना, एक डेल्टा था और आगे क्या था, कुछ आई थिंक ये था, देखिएगा आपके पास साथ में कोई बुक भी ओपन कर लो, अल्लाह का हुक्म है, चलाते हैं जी। ये किधर चली गई, किधर सी वैल्यू यार, अभी हमने यहाँ पे देखी है ये एंड पे सिग्मा है और सेंटर में यही लिखा हुआ है आई थिंक। अब हम इसको करते हैं सॉर्ट आउट। अब देखिएगा जिस बच्ची ने वो पूछा ना कि पावर कैसे लिया है, अब यहाँ पे इसी वैल्यूज को वो हमें कई तरीकों से पूछ सकता है, वो कहेगा कि इसको टू की बाइनरी की बेस से सॉर्ट आउट करो, या वो बोलेगा पांच की बेस से करो, या वो बोलेगा छह की बेस से करो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा। अगर फर्ज करो टू बोलता है या फर्ज करो फाइव बोलता है, ये टू की जगह पे हम कह देते हैं यहाँ पे फाइव लिखा है, तो बेस कितनी है, फाइव, और आगे वो पूछेगा इसका जवाब बताओ, ठीक है। इस तरह से वो कंप्लीट क्वेश्चन करेगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये जो सिंबल है ये वाला, इस सिंबल की वैल्यू कितनी है, कितनी थी इसकी वैल्यू, वन, इसकी वैल्यू पहले लिख लो वन, ठीक है, सेंटर में प्लस लिख दो थोड़ा दूर करके, आ गई इसकी वैल्यू कितनी थी, ये जो थ्री, थ्री लिख दी, ठीक है, आगे थोड़ी स्पेस डाल के, आगे ये जो इसकी वैल्यू फोर थी, और
और उसकी वैल्यू जीरो थी। ये तो जो आपको साइन दिए उनकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब पावर कैसे लेनी है, गुड क्वेश्चन। अब उसने हमें पूछा था कितनी पावर से करना है, पांच की पावर से करना है ना, बेस जो है इसकी पांच है। अब पावर कैसे लेनी है, अब यहाँ पे हाँ हाँ कुछ भी जो यहाँ पे लिखा होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा, अगर फाइव की बेस है तो फाइव की बेस से, अगर टू की बेस है तो फिर टू की बेस है, जो भी लिखा होगा उसी के हिसाब से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें ये टोटल कितने हैं, यहाँ पे हम पहले फिर क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं कि अगर यहाँ पे टेन की बेस होती थी तो फिर जीरो जीरो से स्टार्ट, अब फाइव है तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल फाइव फाइव लिखो, पहले फाइव लिख दो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके फाइव लिख दो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके फाइव लिख दो, बेस फाइव वाली है ना, और जीरो जो है एंड पे जीरो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जीरो के मल्टीप्लाई में भी फाइव लिख दो, फाइव फाइव बेस क्या है फाइव, यहाँ से शुरू हो जाओ राइट साइड पे, जीरो वन टू और ये थ्री, सबके पूरे हो गए, यानी कि चार थे। यानी अगर इस तरह से नहीं तो अगर वो हो सकता है आपको बहुत बड़ी वैल्यू दे के पूछ सकता है कि इसकी ये जो फर्स्ट वाले की कितनी है, तो ये जो चार है इसमें से एक माइनस करो, तीन हो गया तो तीन से शुरू करो, इसकी तीन कर दी, इसकी दो कर दी, इसकी वन कर दी, माइनस करते जाओ, सो वन, ठीक है। इतना समझ आया नहीं आया, हेलो, किसको नहीं समझ आया मुझे, हाँ फर्ज करो कि हम इस रकम को, हाँ बड़ी रकम करके भी दिखाता हूँ, फर्ज करो हमारे पास ये जो ऊपर साइन लगा हुआ है ना, इसके साथ आगे हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से मिटाते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे हम क्या कर देते हैं, ये साइन ही खत्म हो गए हैं, एक साइन मेरे ख्याल से हमारे पास था और किस चीज का था, डेल्टा गैमा और हाँ ग्रेटर वाला, फर्ज करो साथ में हमारे पास ग्रेटर वाला साइन, इतने ही साइन दे के वो पूछेगा, हो सकता है वो फिर आगे हमसे मजीद भी साइन डाले, हम आगे क्या करते हैं, हम यहाँ पे साइन एक और ये वाला डाल देते हैं। अब ये वाली वैल्यू है भी टोटल कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हैं। अब हमें सिक्स में से एक माइनस कर देना चाहिए क्योंकि जीरो तक हमने जाना ना, जीरो बेस होती है, जीरो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो फाइव, तो हम यहाँ भी अब पावर क्या लिखेंगे, पांच की पावर हम लिखेंगे पांच, फिर हम लिखेंगे पांच की पावर चार, फिर हम लिखेंगे पांच की पावर जो है वो थ्री, फिर हम लिखेंगे पांच की जो पावर है टू, और फिर एंड पे लिखेंगे पांच की पावर जो है जीरो, तो हमारे सारे फिगर पूरे होते हैं, जीरो वाला एक और एक ये दो तीन चार और पांच, और ये भी काउंट करो छह है, माइनस एक एन माइनस वन कर दिया आपने, ठीक है, समझ नहीं आई, अच्छा तो हमारे हम इसमें जो आपकी बुक वाले को कर रहे थे वो हमारा यहाँ तक था, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, अभी इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वन थी, इसकी वैल्यू हमारे पास से ये थ्री है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये फोर है, और ये जो सिग्मा थी इसकी वैल्यू हमारे पास ये थी जीरो। अब साथ में हमने पावर पाँच पाँच क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने बोला हमें फाइव के हिसाब से, इसका बताओ फाइव के हिसाब से, साथ में हमने पाँच लिख दिया, पाँच लिख दिया, पाँच लिख दिया, और आगे भी हमने पांच लिख दिया जो के जमा एंड पे वाला था ना, जीरो मल्टीप्लाई फाइव है, ठीक है, और पावर जीरो। अब इसको हम करेंगे, इनका सोल्यूशन निकालेंगे कि सोल्यूशन क्या बनता है। अब ये जो वन है ये तो वन ही हो गया, तो पांच की पावर तीन हो तो कितना आंसर आता है, पच्चीस, हाँ जी। उसके बाद हमने क्या किया, प्लस लिख दिया, ये जो थ्री है इसने मल्टीप्लाई होना है इस वैल्यू के साथ, और ये वैल्यू कितनी है, पांच को पांच से जरब होनी है ना, 25 को 3 से जरब दे लो, माशाल्लाह शुक्र है कोई बोलने लगा है। आगे हमारे पास ये आगे वाली मैं खुद करूंगा, आप नहीं बोलिएगा, 5 को 4 से जरब दी और ये 20, बड़ी बड़ी वैल्यू मैं खुद करता हूँ। और उसके बाद हमारे पास पीछे ये 0 है, और 0 के साथ कुछ भी जरब दे दो साथ कुछ 0 हो जाता है वैल्यू। अब इसका आंसर कितना, 25 75 और 20 220, ये लो हमारा आंसर आ गया। यही काम उसने हमें बोला है कि हमारे पास बेस हमें एक वैल्यू देता है, उसने यहाँ पे सिर्फ बताया कि बेस फाइव है आपकी नंबर सिस्टम, बेस फाइव नंबर सिस्टम है, फाइव यूनिक नंबर सिस्टम, जीरो टू फोर रिप्रेजेंट करता है, और उसने यहाँ पे हमें बोला था कि आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, और इसको डेसिमल में वो कहता है कि हमें कन्वर्ट करके दो,
डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया, दोनों फार्मूलों तीन चार सारी वैल्यू बता दी, जितनी भी वैल्यू है 220 कर दी हमने। अब ये 220 हमें पता डेसिमल होता है, ठीक है 220 डेसिमल होता है। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ आ गया। अब सबसे पहले तो आपको बाइनरी नंबर सिस्टम निकालना आए ना किसी वैल्यू का, ये 126 है, 6 का बाइनरी निकालना आता है किसी को? सबको आता है? देखिएगा हमारे पास 6 है या 20 ले लेते हैं, 20 का बाइनरी निकालना है हमने, ये लो जी ठीक है, बाइनरी हमने इसका निकालना, बाइनरी निकालना है तो क्या मैं सही निकालूंगा? जरा देखिएगा कितना होता है, 5 4 20 होता है, सही निकाल रहा हूं मैं बाइनरी? यस ये चीज। तो अगर हमने बाइनरी निकालना है तो फिर हम इसको टू पे करेंगे, टू पे करेंगे तो हमारा ये कुछ इस तरह से आएगा, एक बार ना मैंने एक स्टूडेंट से ऐसे पूछा, पिछले साल की बात है, मतलब चीजें रिपीट होती रहती हैं, वही चीजें आगे पूछ लेते हैं सेम, तो वो कहता है उसको जाके, चलो छोड़ो ये बातें, बात की टाइम थोड़ा है। टू से किया और कितना हो गया, 10 आता है क्या? पीछे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, 2 10 था 20 और 0, और फिर 2 को किया 5 पे, कितना आ गया हमारे पास 2 5 था 10, फिर 0 आ गया, फिर 2 पे किया 2 4 था 5 हो गया, और नहीं 2 2 था 4 हो गया और 1 आ गया। और उसके बाद पीछे यहाँ पे क्या था, अभी सदके जाऊंगा यहाँ खुद के, यहाँ पे क्या लिखा था, 2 2 था 4 होता है और फिर एक 1 आ गया। उसके बाद इसको फर्दर हम करते हैं, यहाँ पे लाइन लगाई 2 1 दा 2 हो गया और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 0, बाइनरी क्या बन गया। अब इसको हम लेफ्ट 1 0 1 0 और 1 और 0 और 0, ये हमारे पास बाइनरी हो गया। अब आप ये क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, साथ में 2 लिखेंगे, ठीक है बाइनरी ये है अब हमारे पास। अब हमें उसने ये सवाल पूछा यहाँ पे, ये सबके बाइनरी उसने आगे निकाल निकाल के लिखे हुए, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको निकालने आते हो तो बाइनरी लिख देना, ये डेसिमल है। अब इसको उसने लिख दिया है बाइनरी में, आगे वो क्या कहता है नंबर सिस्टम को, केव सिस्टम में अगर वो कहता है लिखो केव सिस्टम में, तो मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि केव सिस्टम में कैसे किया जाता है। क्या अगर आप ये कहते हैं कि बाइनरी को कन्वर्ट कर लें, अच्छा उसने यहाँ पे क्या किया, उसने हमें बाइनरी कोड दिया हुआ है, अब वो कहता है कि इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो बहुत ईजी तरीका आप कर लेते हैं, यानी कि देखिएगा हमारे पास ये जो 1 है 1 ये वैसे लिख दिया, ये 0 वैसे लिख दिया, थोड़ा कर लें या समझ जाओगे ऐसे ही, सदके जाओ ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अब यानी कि थोड़ा बता लें यार, मेरे जैसे भी एक दो बच्चे हैं बीच में, थोड़ा सा हल्का सा टच दे दो, यानी कि ये जो 1 है ना, अब ये काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है 5 है, 5 में से 1 माइनस कर दो, फिर कितना हमने फर्स्ट पॉइंट जो है वो 4 लेना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट 4 लिया, फिर 3 लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया, फिर 0 लिया, क्लियर, और जो मल्टीप्लीकेशन करके जमा कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा या फ्रिक्शन पॉइंट वाला, फ्रिक्शन पॉइंट कैसे करनी, अब फ्रिक्शन पॉइंट वही जो